बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर वेरी गुड। येस्टरडे वी हैव स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1 एंड वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आई होप यू हैव कंप्लीट योर वर्क। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.5 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स ए। यहाँ पर एक बात कम्प्लीट हो रही है, कह रहे हैं इन्वर्स लें ऑफ ईच मैट्रिक्स ए। नेम तो यहाँ पे आपके पास जितने भी नीचे पार्ट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के 7 पार्ट्स हैं, 7 पार्ट्स के नेम नहीं दिए हुए तो, लेकिन सबको उन्होंने ए का नाम दे दिया कि फाइंड करें इन्वर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स ए। ये समझ लें कि आपका पार्ट ए है एंड शो डैट ए इन्वर्स ए। ये ऊपर जो माइनस वन है इसको पढ़ेंगे, ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, आई मीन्स आइडेंटिटी। ये आपका सेकेंड पार्ट है, ठीक है जी। आगे वो कह रहे हैं इफ़ द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट गिवन रीज़न। ये आपको मैं बाद में समझाऊंगी कि ये क्या है। वैसे आपके क्वेश्चन के 2 ही पार्ट्स हैं, इसका ये मतलब है अगर इनवर्स नहीं है तो रीज़न बताएं क्यों नहीं वो एग्जिस्ट कर रहा। वो कब एग्जिस्ट नहीं करेगा वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन साथ कर दूंगी। इसके 7 पार्ट्स हैं तो मैं आपको पार्ट नंबर 7 करवा देती हूँ, तो उससे आपको पार्ट नंबर 1 to 6 क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट जी। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द ईच मैट्रिक्स। पहले हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। इन्वर्स कैसे फाइंड किया जाता है? क्वेश्चन आपके पास गिवन है, लेट कर लेते हैं इसका नेम, क्योंकि उन्होंने कह दिया था मैट्रिक्स ए तो हम इसका नाम ए ही लेट कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अगेन राइट क्वेश्चन, दिस इज 3/5, 4/5, -4/5, 3/5। लेट ए इज इक्वल टू दिस 4/5, -4/5 एंड 3/5, ठीक है जी। अब हमारे पास पहली हम कंडीशन सॉल्व कर रहे हैं, फाइंड इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स ए। इन्वर्स कैसे फाइंड करना है? इन्वर्स का हमारे पास फार्मूला होता है और वो फार्मूला है आपके पास ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/ ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसको आप इक्वेशन 1 का नेम दे दें। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं? ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/ ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है और एडजॉइंट ऑफ ए भी, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो आपने फाइंड करनी है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस में देखें, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 में आप ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए डिटर्मिनेंट। हम ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं कैसे? ए डिटर्मिनेंट का साइन कहाँ से? जो आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, ए के लिए मैंने ए डिटर्मिनेंट का साइन यूज़ कर दिया। देन अगेन डिटर्मिनेंट साइन 3/5, 4/5, -4/5, 3/5 डिटर्मिनेंट का साइन, ठीक है बच्चों जी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे कर किया था हमने? 3/5 को 3/5 से, -4/5 को 4/5, ऐसे ही था। लेट्स स्टार्ट। ब्रैकेट यूज़ कीजिए, 3/5 मल्टीप्लाई बाई 3/5, बीच में नेगेटिव साइन, 4/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3s are 9, 5 5s are 25, ओके। देन -4 4s are 16, 5 5s are 25, ऐसे ही है। डिनोमिनेटर सेम है, लेना तो एलसीएम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से हमारे पास 25 एलसीएम में आ जाएगा। तो 9 - 16, यहाँ पे माइनस साइन था तो मैंने माइनस यूज़ नहीं किया, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, ठीक है जी। ये ठीक, ओके। सॉल्व कर लें, दिस इज़ 25 / 25, ए डिटर्मिनेंट आ रहा है, दिस इज़ कैंसिल 1, तो ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब 1/1 है ये बन रहा है, तो मैं 1/1 को 1 राइट कर सकती हूँ, राइट, ठीक है जी। हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ गया 1, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ हाईलाइट। अब हमने Q
क्यों ये फाइंड आउट किया ए डिटर्मिनेंट, क्योंकि हमारा फार्मूला था ए डिटर्मिनेंट, तो हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड चीज़ क्या हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। अच्छा, एडजॉइंट ऑफ ए, अब ए तो राइट हुआ हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने ए ही मैट्रिक्स से फाइंड करना है। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, नाउ मैं पहले ए मैट्रिक्स लिख लेती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, दिस इज 3/5, 4/5, -4/5 एंड 3/5। ठीक है बच्चों, अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं। देखिएगा कैसे लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए भी सिंपल सा है। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, इन दोनों की ये इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज मीन्स जगह चेंज होती है, लेकिन अब चूंकि दोनों सेम हैं तो आपको ऐसा फील नहीं होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रफ बात करती हूँ कि अगर यहाँ होता 2, 4, 5 एंड 6, ठीक है, अगर मैं इसका जब एडजॉइंट लूँगी, एडजॉइंट ऑफ ए था या जो भी नाम हमने दिया, तो जब मैं एडजॉइंट लूँगी बच्चों, तो इन दोनों की जगह चेंज करने से 6 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे, और इन दोनों के साइंस चेंज होंगे। माइनस कर लेते हैं, तो माइनस चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में और पॉजिटिव 5 चेंज हो जाएगा नेगेटिव में। ये आपका एडजॉइंट होता है, बात समझ आई। इन दोनों की रिप्लेसमेंट हम करेंगे, जगह को चेंज करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, उनके साइन, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दिस इज़ योर एडजॉइंट। क्लियर बच्चों जी। अब हम लेते हैं तो 3/5 और 3/5 तो एज इट इज़ आ जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, दिस इज़ 4/5, और ये पॉजिटिव में था और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। क्लियर। अब देखें, हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड बच्चों कर लिया और ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। तो अब हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, नाम दिया हुआ था, हमारे पास फार्मूला था, दिस इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये 1 एज इट इज, ए डिटर्मिनेंट का आपके पास आंसर आया हुआ था 1, तो मैं ए डिटर्मिनेंट की जगह 1 राइट कर दूंगी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये देखें एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आंसर आया हुआ है, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पुट करें, 3/5, 4/5, -4/5 एंड 3/5। ठीक, अब 1/1 को 3/5, यहाँ पे कोई और टर्म भी हो सकती थी, लेकिन अभी चूंकि कोई टर्म नहीं है इसलिए 1 को जब भी मैं किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएंगे। अगर यहाँ कोई और टर्म होती तो हम कैसे सॉल्व करते, उसी तरह मैं सॉल्व करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर बाकी जैसे क्वेश्चन हैं उनमें ज़ाहिर है यहाँ पे 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, कोई भी टर्म आ सकती है, तो आपने उसको सॉल्व कैसे करना होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/1, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1/2 हो, 1/3 हो, जो भी है। 4/5 मल्टीप्लाई 1/1, -4/5 मल्टीप्लाई 1/1 एंड 3/5 मल्टीप्लाई 1/1। यहाँ ज़रूरी नहीं था, लेकिन सिर्फ मैं आपको कि इसके अलावा डिनो के टर्म कोई और आ जाए तो तब आपने कैसे सॉल्व करना है। अब 3/5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ज़ाहिर है 3/5, दिस इज़ -4/5, 4/5 एंड 3/5, ये आपका आ गया ए इनवर्स, ये आपका ए इनवर्स, यानी कि फर्स्ट पार्ट, जैसे हम कह रहे थे कि हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अब साथ ही हो, अगर आपने क्वेश्चन याद हो, मैंने एंड के बाद, एंड से पहले सॉरी मार्क कर दिया था, एंड शो डैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, कि अब ये शो करें कि ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई है। हमने अब इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आपको लास्ट स्टेटमेंट जैसे आ रही थी, इफ़ द इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट गिवन रीज़न, के बताएं कि आपके पास अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो रीज़न दे क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा, वो क्या होगा, रीज़न दे। अच्छा बच्चों, उसकी रीज़न ये है, जहाँ पे आपने ये, मैं ज़रा प्रीवियस आती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, पहले ये पार्ट में आपको ये बात समझा दूँ। जब हम फार्मूला राइट कर दिया, ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, जब ए डिटर्मिनेंट यहाँ पे इक्वल टू 1 आ गया, इक्वल टू 1 का मतलब है कि यहाँ आप लिख लें, अगर आपको याद होगा मैंने कल आपसे डिस्कस किया था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का,
अब ए डिटर्मिनेंट वन आ गया, तो ए डिटर्मिनेंट वन का मतलब है ये आपके पास नॉन सिंगुलर है, ऐसे ही है, तो इसका जो सोल्यूशन है वो जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अगर तो ये ज़ीरो, ए डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो आ जाता तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ज़ीरो आ जाएगा तो ज़ीरो आगे तो सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ लिख लें, बल्कि यहाँ एक स्टेटमेंट भी लिख लें कि ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो सोल्यूशन या इनवर्स कैन एग्जिस्ट, सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट लिख लें ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर यहाँ पे आंसर, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर यहाँ पे आंसर आ जाए ज़ीरो तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो, सो सोल्यूशन कैन नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। यहाँ वन आया, वन था तो मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सो सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट, यानी कि ये आगे सॉल्व हो सकता है। अगर ये ज़ीरो आ जाएगा तो ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर बच्चों? ओके, अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं जो हमारा था ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू आई। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू आई, हमारे राइट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू आई, यानी लेफ्ट और राइट हमने सॉल्व करके बतानी है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इनवर्स ए, ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन के स्टार्ट में हमारे पास ए इनवर्स फाइंड आउट हो चुका है। ए इनवर्स का हमारे पास आंसर है, दिस इज़ 3/5, 4/5, -4/5 एंड 3/5, जो हमारे पास आंसर ए इनवर्स का सॉल्व करके आया। वो राइट किया। नेक्स्ट है ए, ए यानी कि जो क्वेश्चन था, दिस इज 3/5, -4/5, 4/5 एंड 3/5। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो चीज़ पहले थी वो आपने पहले ही राइट करनी है। अब सिंपल क्या है, आपने मल्टीप्लाई करना है जो आप पहले कर चुके हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, यहाँ पे प्लस का साइन आता है। ये चीज़ याद रखनी है, आपका एडजॉइंट जब लेते हो, डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो बीच में यहाँ माइनस आता है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे प्लस आता है। नेक्स्ट 4/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, गैप दीजिए, अगेन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 3/5 मल्टीप्लाई -4/5, प्लस का साइन, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। ठीक है जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये सेकेंड कॉलम के साथ, अगेन सेकेंड रो -4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -4/5 मल्टीप्लाई -4/5, बीच में प्लस का साइन यूज़ कीजिए, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5, मैट्रिक्स का साइन। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम जी। 3 3s are 9 बाय 5 5s are 25, प्लस का साइन, 4 4s are 16 डिवाइडेड बाय 25, प्लस माइनस माइनस, 4 3s are 12 डिवाइडेड बाय 25, प्लस 4 3s are 12 डिवाइडेड बाय 25 जी, -4 3s are 12 डिवाइडेड बाय 25, प्लस 4 3s are 12 डिवाइडेड बाय 25। नीचे आइए, 4 4s are 16 डिवाइडेड बाय 25, प्लस 3 3s are 9 डिवाइडेड बाय 25। सॉल्व कर लें, एलसीएम लेके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है इसके अलावा अगर आप क्वेश्चंस करें तो आप लोगों में एलसीएम लेना पड़ जाए। डिनोमिनेटर सेम है 25, तो एलसीएम एज इट इज़ आ जाएगा, तो डिनोमिनेटर 25 है तो 9 और 16 एज इट इज़ आपने प्रेप 6 में पढ़ा है। अब ये देखें, माइनस और प्लस बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो कैंसिल होकर क्या आ गया, ज़ीरो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, 25 अगेन एलसीएम आ जाएगा, सॉरी एलसीएम लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस सेम टर्म्स हैं, ये भी आपके पास कैंसिल हो रही हैं, सो द आंसर इज़ ज़ीरो। सॉल्व करके भी ज़ीरो आएगा तो हमारे पास डायरेक्ट पता चल रहा है, तो हम डायरेक्ट ज़ीरो राइट कर देते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 25 दिस इज 16 प्लस 9, सॉल्व कर लें इसको, 25 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज 0 0, 25 डिवाइडेड बाय 25 जी,
25 ones are 25 ones are, क्या आता है हमारे पास 1001, ये हमारे पास आ गया A inverse A, ठीक है जी। अब हमारी राइट साइड, हम राइट, ये हमारा क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड हमारे पास है, ओके हमारी राइट साइड थी, राइट हैंड साइड है आई, और आई हमारे पास क्या होता है 1001, क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी पता है कि आई फॉर आइडेंटिटी, हमने डेफिनेशंस में भी पढ़ा था कि आइडेंटिटी, और हमने 2x2 का ऑर्डर था इसलिए हमने भी ऑर्डर 2x2 का लिया। तो अब ये आई और आपने ए इनवर्स ए लिया, तो वो देखिए लेफ्ट और राइट आपके पास इक्वल हो गए, हेंस क्या लिखेंगे, प्रूव डैट ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चों। नाउ नोट डाउन योर डायरी, एक्सरसाइज नंबर 6.5, क्वेश्चन नंबर थ्री इज योर होमवर्क। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।